दोस्तों 14 जून 2020 को मुंबई में जो कुछ हुआ वो बर्दाश्त करने लायक नहीं था। हजारों करोड़ों फैंस ने उस बात को मानने से इनकार कर दिया था कि उनका प्यारा और चहेता एक्टर दुनिया छोड़कर चला गया और खुद ही अपनी जिंदगी खत्म कर दी। किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था, और होता भी कैसे, हालात ही कुछ ऐसा बयां कर रहे थे। अब 14 जून 2020 के ठीक 2 साल 1 महीने बाद बहन प्रियंका सिंह ने पूरा सच बताया और पहली बार, जी हाँ पहली बार कुछ ऐसी बातें कही हैं, कुछ ऐसी बातें बता दी हैं जिसने पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया और पहली बार कह दिया कि उनके भाई के खिलाफ साजिश हुई है, उसे खत्म किया गया और मैंने सब कुछ देखा, अपनी आंखों से देखा, क्योंकि बेड की पंखे की हाइट में अंतर इतना नहीं था कि वहां पर कुछ हो सकता था। तो पहली बार सामने आई प्रियंका सिंह क्या क्या बोली, कैसे बता दिया 14 जून का पूरा सच, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट करके आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। तो 14 जून 2020 को बहुत कुछ बदल गया जब खबर आई कि उनके प्यारे चहेते एक्टर ने दुनिया छोड़ दी। कई लोगों ने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ समझा, हालांकि उसके बाद कई एजेंसियों ने जांच भी शुरू की। पहले मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की और फिर सीबीआई ने मामले की जांच संभाली, ईडी ने भी अपनी जांच की और एनसीबी भी अपनी जांच कर रही है। अब इन सब में सबसे आगे एनसीबी ही निकली जिसने रिया चक्रवर्ती को लेकर चार्ज तक फ्रेम कर दिए हैं। आरोपों का ड्राफ्ट कोर्ट में दे दिया है और साफ साफ बता दिया कि रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत जैसे लोग मिलकर साजिश कर रहे थे, गैंग चला रहे थे और एक होकर सबने साजिश की थी। अब एनसीबी की कार्रवाई आगे बढ़ने लगी है और पहली बार लगने लगा है कि हाँ गुनहगारों को सजा मिलेगी, साजिश करने वालों को उनकी सही जगह पहुंचाया जाएगा और रिया समेत उसकी पूरी गैंग को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और इसी वक्त पर प्रियंका सिंह राजपूत भी सामने आई। जी हाँ, SSR की बहन प्रियंका सिंह राजपूत सामने आई और पहली बार बहुत कुछ बोली हैं। यहाँ तक बता दिया कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा और उन्हीं दोनों आंखों का देखा हाल उन्होंने पहली बार बता दिया और यहाँ तक कह दिया कि उनके भाई को मारा गया, ये पूरी साजिश के तहत हुआ। तो सिलसिलेवार तरीके से आप भी देखिए कि प्रियंका सिंह ने क्या क्या कहा। तो नेशनल टेलीविजन पर प्रियंका सिंह ने कहा कि उनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो खुद एक वकील हैं और मामला कोर्ट में है और इसीलिए बोलेंगी नहीं, लेकिन फिर भी बोलूंगी। जी हाँ, प्रियंका ने कहा कि फिर भी बोलूंगी और फिर बहुत कुछ बोल दिया जो कि पहली बार कहा और बड़े खुलासे कर दिए। प्रियंका सिंह ने कहा कि जब उन्हें पता चला कि उनके भाई के साथ ये सब कुछ हो गया है तो वो तुरंत ही मुंबई पहुंची, हालांकि तब भी उन्हें मुंबई पहुंचने में शाम हो गई थी। प्रियंका सिंह ने आगे बताया कि इससे पहले वहां दिन में कई सारे लोग घूम रहे थे, मुंबई पुलिस ने उसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया था, लोग वहां आ रहे थे, जा रहे थे, फोटो खींच रहे थे और देख भी रहे थे, लेकिन जैसे ही हम पहुंचे वहां, हमारे बाकी परिवार के लोग पहुंचे तो पुलिस ने हमें रोक दिया क्योंकि वहां पीले कलर की टेप लगा दी गई थी, पूरे घर को एरिया को कॉर्नर कर लिया गया था। आगे देखिए, प्रियंका सिंह ने कहा कि जब अगले दिन के बाद वो पीली टेप हटाई गई और मैं पहली बार घर के अंदर गई तो सीधे उस रूम में पहुंची तो मेरे मुंह से सिर्फ यही निकला, ओ माय गॉड, इट्स इम्पॉसिबल। जी हाँ, प्रियंका सिंह ने कहा कि मैं एक वकील हूँ, बहुत कुछ जानती हूँ, बहुत कुछ समझती हूँ और मैं सीधे समझ गई कि वहाँ पर क्या हुआ था, क्या हुआ होगा, क्योंकि जो बताया जा रहा था वो संभव ही नहीं था। प्रियंका सिंह ने आगे कहा, मैंने देखा कि बेड और पंखे की सीलिंग के बीच में इतनी दूरी है ही नहीं कि मेरा भाई वहां पर आ जाता। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात प्रियंका ने कही थी। प्रियंका ने कहा कि कोई भी देखकर साफ साफ कह सकता था कि वहां पर कोई पंखे से लटक नहीं सकता, एक इंसान तो बिल्कुल भी नहीं, और मुझे ये पूरी साजिश ही लगी क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था, अपनी आंखों से उस बेड को देखा था, अपनी आंखों से उस पंखे को देखा था और अपनी आंखों से उन दोनों के बीच की दूरी को देखा था, अपनी आंखों से पूरे घर के हालात को देखा था। प्रियंका ने आगे कहा, वहाँ पर बमुश्किल 6 फीट की जगह थी और मेरे भाई की हाइट 6 फीट से ज्यादा थी, लेकिन कुछ ही वक्त बाद मेरे भाई की ऑफिशियल हाइट तक बदल दी गई। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात प्रियंका ने एक और कह दी। प्रियंका ने बताया कि उसकी हाइट को 5'10" कर दिया गया और ये कहीं कहीं पर 5'11" भी था। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात प्रियंका ने बताई कि उनके भाई की जो हाइट 6 फीट से ज्यादा थी उसे घटाकर 5'10" 5'11" कर दिया गया ताकि ये साबित हो सके कि उसने खुद ही खुद को खत्म कर लिया, जो कि सरासर साजिश थी, धोखेबाजी थी। और सबूत के तौर पर हम भी आपके लिए एक क्लिप लेकर आए हैं दोस्तों, जिसमें खुद सुशांत बता रहे हैं कि उनकी हाइट 183 सेंटीमीटर है जो कि लगभग 6 फीट 1 इंच होती है। आप खुद ही सुने।
So she's actually 178 centimeters tall. That's not I am 183. Did you measure? I am 183. Okay. But she's wearing heels. अच्छा. लेके दो कड़क लौंडे और हमारे साथ right now make some noise for Sushant Singh Rajput. आपकी एज, हाइट, वाइफ, नेक्स्ट मूवी, हेयर स्टाइल तो इंस्टेप मिलेगा हमें हाइट ना. अच्छा हाइट 183 सेंटीमीटर. सारे जवाब तो प्रियंका ने बिल्कुल सच कहा है दोस्तों. प्रियंका ने आगे कहा, उसका भाई खुद को खत्म नहीं कर सकता और अब तो मुझे साफ साफ पता लग गया है कि उसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि वकील होने के नाते मुझे बहुत कुछ पता चल चुका था. बहुत कुछ मैं वहाँ देख कर आई थी और वही आंखों देखा मैंने अभी यहाँ पहली बार सबके सामने बताया है. प्रियंका ने एनसीबी के केस पर भी बात की और कहा कि एनसीबी के केस में भी 35 लोग आरोपी हैं और 35 लोग एक साथ जुड़े हैं, तो साफ साफ बात है कि यहाँ पर भी साजिश हो रही थी, कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, जो कि साफ साफ साबित भी हो रहे हैं. और यहाँ पर एक और बड़ी बात प्रियंका ने कही कि उनके भाई को यहाँ पर एक तरह से गलत साबित करने की कोशिश हो रही है, जिसे वो होने नहीं देंगी. तो कुल मिलाकर पहली बार 14 जून 2020 को लेकर प्रियंका सिंह ने वो बताया जो आज तक किसी ने नहीं देखा था, किसी ने सुना नहीं था, किसी ने कहा नहीं था, क्योंकि खुद उस रूम को, फ्लैट को, पंखे को देखने वाली प्रियंका ने वो सच बता दिया जो कि एजेंसियों को अभी तक दिख नहीं रहा है या देखना नहीं चाहती. तो आपका क्या मानना है दोस्तों, क्या ये केस अब सही दिशा में जा रहा है? क्या एनसीबी के बाद बाकी एजेंसियां भी आगे की कार्रवाई करेंगी और क्या अब जल्दी इंसाफ मिलेगा? तो कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं. दोस्तों आज हमारे हाथ सुशांत का एक ऐसा वीडियो लगा है जिसमें वो जो बता रहे हैं उससे सुन आपकी आंखें भर आएंगी. पहले आप ये वीडियो देखिए. I cannot make friends not because I don't like people. I really like them, but they somehow they don't find my conversations very interesting. And so the first time they will pretend to be liking me, but then they for somehow they don't take my calls. So yeah, so I don't have many friends. I know that. तो दोस्तों ये तो हम सब अच्छे से समझ गए हैं कि सुशांत ने अपने आसपास आस्तीन के सांप ही पाल रखे थे. उनके घर पर भी जो रह रहे थे वो भी उनके हितैषी नहीं थे और सबसे बड़ी नागिन तो रिया थी, जो प्यार के नाम पर उनको डसती रही और उनकी जान लेकर ही दम लिया. सुशांत का सो कॉल्ड फ्रेंड पापी पिठानी भी सुशांत के साथ रहते हुए मुफ्त की रोटियां ही तोड़ता रहा और रिया के साथ मिला हुआ था. तो ऐसे में सुशांत के आसपास रहने वाले सभी लोग सिर्फ उन्हें लूटते खसोटते रहे, कोई प्यार के नाम पर, कोई दोस्ती के नाम पर, सब सिर्फ अपना स्वार्थ ही निकालते रहे. और शायद सुशांत की अंतरात्मा कहीं न कहीं ये बात जानती थी, समझती थी, तभी उन्होंने इस वीडियो में ऐसा कहा है. सुशांत की ये बातें सुनकर सच में आंखें नम हो गई दोस्तों. शायद सिर्फ पज ने ही उनसे सच्चा और निस्वार्थ प्यार किया था, जो आज भी सुशांत के लौटने का इंतजार कर रहा है.